सच साहस सरोकार। यूक्रेन में अब तक 1417 आम नागरिकों की मौत, मैरियोपोल में फंसे 1.5 लाख लोग। तेलंगाना में नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी, तेलंगाना के राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। देश में कोरोना मामलों में गिरावट जारी, पिछले 24 घंटों में आए 913 केस, 13 की मौत। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दाम 40-40 पैसे बढ़े, दिल्ली में पेट्रोल 103.81 रुपए प्रति लीटर, दिल्ली में फिर से 2.50 रुपए महंगी हुई सीएनजी, 12 घंटे में दूसरी बार बढ़ाई गई कीमतें। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में ताबड़तोड़ बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 103.81 रुपए प्रति लीटर के रेट में बिक रहा है, जबकि डीजल 95 रुपए लीटर को भी पार कर गया है। मुंबई में तो पेट्रोल 119 रुपए के करीब पहुंच गया है, जबकि डीजल 130 रुपए लीटर से भी ज्यादा महंगा हो गया है। जबकि मुंबई में पेट्रोल 118.83 रुपए और डीजल 103.07 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। त्योहारों को लेकर बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस द्वारा चौराहों पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई। आपको बताते चले कि बिजनौर शहर की पुलिस ने चांदपुर की चुंगी, खिड़की तिराहा, मंडावर चौराहा, सेंट मैरी चौराहा समेत शक्ति चौक पर यह चेकिंग अभियान चलाया था। पुलिस द्वारा मुख्य चौराहों पर हो रही इस चेकिंग अभियान से शरारती तत्वों में हड़कंप मच गया। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राज्य मंत्री दानिश आजाद पहली बार बलिया दौरे पर पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दानिश आजाद ने कहा कि योगी सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है, मदरसों को डिजिटल और स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ा जाएगा। वहीं दानिश आजाद ने बाबा के बुलडोजर पर कहा कि ये बुलडोजर उन लोगों के लिए है जो गरीबों की जमीन पर कब्जा करते हैं। उर्दू और भी फारसी पढ़ता है, तो साथ साथ वो मैथ, साइंस और कंप्यूटर का एजुकेशन भी लेता है, और जो दीनी दुनियावी तालीम जब उसको हासिल होता है तो वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ के राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम माइनॉरिटीज़ के लिए और भी अच्छे काम करने के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। हम स्मार्ट मदरसों को भी लाएंगे ताकि बच्चा जो है मदरसों को हम डिजिटल बनाने की तरफ भी बढ़ेंगे, ताकि जो बच्चा है वो मदरसे में बैठे बैठे दुनिया के तमाम कोर्सेज का जो है लाभ उसको मदरसे में मिले। मदरसों को हम स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ने की प्रक्रिया में है, उस पर भी चर्चा चल रही है, अधिकारियों से बात विचार चल रहा है कि कैसे मदरसों को हम स्किल डेवलपमेंट से जोड़ें, ताकि जो मदरसे का बच्चा है जब मदरसे के साथ साथ उसको एक स्किल डेवलप का एडिशनल कोर्स भी मिले, जिस कोर्स का जो वैलिडिटी होती है, मैंने जिसकी मान्यता तमाम देश ही नहीं दुनिया में कई देशों में है, तो यहाँ से जब मदरसे का बच्चा उसको सर्टिफिकेट मदरसे में बैठे बैठे मिलेगा, निशुल्क रूप से मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट के जरिए जो रोजगार पाएगा तो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय भी सबल बनेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से 10 अप्रैल को आयोजित होने वाला नव वर्ष अभिनंदन मेला अमर शहीदों को समर्पित होगा। मेला में आए लोगों को महान क्रांतिकारियों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद ने प्रेरक विचार भी सुनने को मिलेंगे। दुबे पड़ाव स्थित एक होटल में मेला संयोजक मनोज शर्मा ने बताया कि मेला जीटी रोड स्थित श्री वर्षरेय डिग्री कॉलेज के खेल मैदान में दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगा। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मेला अमृत महोत्सव को समर्पित होगा। तो
संवत्सर मेले का जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं पिछले 22 वर्षों से हो रहा है, इस बार इस कार्यक्रम को हम 10 तारीख को करने आने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि तमाम सनातन धर्मी हिंदू समाज ये नववर्ष को उत्सव को समझे और पूरे शहर में उत्साह का वातावरण हो और सभी लोग इसमें अधिक से अधिक भाग लें। इसके लिए हमने कोई शुल्क नहीं रखा है, साथ ही जो भी लोग चाहेंगे वो 10 रुपये का कूपन देकर के, इसमें 125 लकी लोग की भी है जिसमें फ्रिज से लेकर के सिलाई मशीन, कपड़े धोने की मशीन, सिलाई मशीन, ये सब हमारे पुरस्कार होंगे, बड़ा फ्रिज होगा। इस तरह से बच्चों के लिए झूला झूलने के लिए फ्री सुविधा होगी, खाने पीने का पूरे एक दिन का पूरा उत्सव में कार्यक्रम होगा और रात 12 बजे तक ये कवि सम्मेलन के रूप में अंतिम कार्यक्रम इसका समापन होगा। भाई साहब, ये जो कार्यक्रम है विगत 22 वर्षों से हो रहा है, 2 वर्ष ये कोरोना के कारण से नहीं हुआ। हम भारतीय नववर्ष को जाने पहचाने और जैसा कि नवदुर्गे से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये प्रारंभ होता है नववर्ष हमारा, प्रकृति भी इसको स्वीकार करती है, तो इस प्रकार से नववर्ष हम लोग जाने समझें, घर घर तक ये नववर्ष मनाया जाए, हम भारतीय संस्कृति को पहचाने, इसलिए ये नववर्ष का आयोजन हो रहा है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विगत 22 वर्षों से होता रहा है। पिछले वर्ष 2019 में यह धर्म समाज महाविद्यालय में हुआ था, इस बार 10 अप्रैल को 2022 इस वर्ष रविवार के दिन श्री वासने महाविद्यालय क्रीड़ा स्थल पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मेरठ प्रांत का 62वां प्रांत अधिवेशन बिजनौर की नगर पालिका चौराहों पर एबीवीपी का प्रांत अधिवेशन शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ। मेरठ प्रांत और बिजनौर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा शहर में निकाली गई, जिसका जगह जगह पर शहरवासियों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। आपको बताते चले कि पुलिस क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस शोभा यात्रा के साथ चल रही थी। साइकिल एसोसिएशन के होली मिलन समारोह में चुनावी चर्चा के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि एसोसिएशन के संरक्षक विजय कपूर और उनके सुरक्षा कर्मियों ने एक व्यापारी के साथ मारपीट कर दी। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में भी अब पुलिस जुट गई है। तो ये खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां चुनावी चर्चा के दौरान एक मारपीट हो गई, वही होली मिलन समारोह के दौरान एक व्यापारी से मारपीट हो गई, वही सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर यह पूरा मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में भी अब पुलिस जुट गई है। श्री भारत भूषण रस्तोगी जी ने आकर एक तहरीर दी। इनके अनुसार आज रघुशीला गेस्ट हाउस फजलगंज में उत्तर प्रदेश साइकिल उद्योग व्यापार परिषद के सदस्यों का होली मिलन समारोह था। उस समारोह में विजय कपूर व उनके अंगरक्षकों द्वारा इनके साथ अभद्रता, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। इनके द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर संबल से है, जहां धनारी थाना के कस्बा धनारी में दो परिवार के लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई, जिनमें से कुछ को सीएचसी गुन्नौर में भर्ती कराया गया जबकि अन्य लोगों का एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज चल रहा है। पीड़ितों की माने तो उन्होंने कुट्टू के आटे की पूड़ी खाई थी। वही इस मामले पर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि सभी पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है, जबकि फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद जिले का खाद्य महकमा चुप्पी साधे हुए है। मेरे अस्पताल में 8 लोग अभी आए थे जिनका मैं प्राथमिक उपचार वगैरह कर रहा हूँ। उनके प्राथमिक उपचार में मैंने ये पाया कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी और उनका, जैसे मैंने जानकारी उनसे की तो बताया कि उन्होंने कल रात को कूटू के आटे का प्रयोग किया था खाने में और पपीता वगैरह लिया था, और भी कुछ चीज़ें उन्होंने खाने पीने में ली जिससे उनको फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग होने के बाद उनको जो दिक्कत परेशानी हुई उसके बाद उनको उल्टियां वगैरह हुई, तो एम्बुलेंस 108 के माध्यम से मेरे आए हैं 8 लोग जिनका मैं उचित और उनका बढ़िया तरह से जो भी हो सकता है मैं उपचार दे रहा हूँ, और उपचार देने के बाद अगर उनकी स्थिति सामान्य है इस समय और अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं उनको रेफर कर दूंगा हेड सेंटर। अच्छा डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है कि संख्या कुछ अधिक है मरीजों की, कुछ जानकारी हुई?
मुझे जानकारी हुई है जिन परिवार के लोग आए हुए उनके माध्यम से कि कुछ और भी लोग हैं जो लोग और अपना दूसरे अस्पताल निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। अलीगढ़ भाजपा पार्षद सूरज माहौर अपने परिवार को गंगा स्नान कराने के बाद वापस अपने घर गोविंद नगर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दो बाइक सवार युवक सासनी गेट चौराहे से उनका पीछा करने लगे और जैसे ही पार्षद भूजपुरा पहुंचे तो आरोपियों ने पार्षद की गाड़ी के आगे बाइक लगा दी और दोनों आरोपी तमंचा निकालकर मारपीट और लूटपाट करने लगे। वही इस दौरान एक बदमाश लगभग 1800 रुपए की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गया जबकि दूसरे आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। वही इस घटना की सूचना पर भारी तादाद में भाजपाई थाने पहुंच गए और थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन करने लगे जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को शांत कराया। आज मेरा पूरा परिवार, हम मेरे बच्चे का मुंडन करा के गंगा स्नान करके आ रहे थे। दो लोग हमारे सासनी गेट चौराहे से हमारे पीछे लगे और लगते लगते वो यहाँ ठेका के पास नाले पर उतरते, उनने हमारे भी सामने गाड़ी लगा के रोक ली और हमसे छीना झपटी शुरू कर दी, जिसमें मेरी माँ के चोट लगी और मम्मी से मेरी से पर्स भी छीन के ले गए, जिसमें लगभग 1800 रुपये बता रही है, पक्का मुझे मालूम नहीं है। और जब मैंने उनका विरोध किया, पकड़ा, तो मुझ पर मुझसे ही मारपीट करी जिसके मेरे चोट लगी हाथों में, और उनने फायर करते हुए भागे, जिसमें एक जिसका नाम मुझे नाजिम है, क्या है बता रहा है, उसको आजम है, उसको एक को पकड़ लिया है, एक भाग गया हमसे छूट के। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 7 से पार्षद हैं सूरज माहौर जी। वह अपने परिवारजनों के साथ में गंगा स्नान करने गए थे, वहाँ से लौट रहे थे तो सासनी गेट पर जैसे ही पहुंचे तो वहां से दो लोग उनके पीछे मोटरसाइकिल पर पीछे लग गए लूट के उद्देश्य से। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे पहुंचे तो नाले के पास में उन्होंने अपनी गाड़ी लगा दी और हथियार निकालते हुए उनसे लूट करने का प्रयास किया और इनसे इनकी माँ से, सूरज माहौर की माँ हैं शकुंतला देवी, उनका पर्स छीन लिया जिसमें 1850 रुपये रखे हुए थे। इसके बाद में इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, मैं यहीं का हूँ, मेरा नाम सूरज माहौर है, पार्षद हूँ यहीं पास का। तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित सूरज माहौर को किया। उसके बाद में जब भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई, इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से उन पर फायर झोंक दिया जिससे वो बाल बाल बचे। इस तरह की घटना की जब सूचना मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ थाना सासनी गेट आए हुए हैं। एक व्यक्ति को मौके से भीड़ ने दबोच लिया है जिसने अपना नाम क्या बताया, आजम बताया है, और अपने साथी का नाम सद्दाम बताया है। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ जनपद के महुआ खेड़ा थाना इलाके के कोनछोड़ गांव में बेर के बाग में एक युवक का चाकू से गला रेता हुआ शव मिला, जिसकी सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। वह इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को घटना स्थल से खून से सना हुआ चाकू भी मिला जिसको फोरेंसिक टीम ने सीज कर दिया है। वह जिस खेत में मृतक का शव मिला है वो रिटायर्ड कर्नल का बताया जा रहा है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है जबकि पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। थाना महुआ खेड़ा के कोछोड़ गांव में आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि बेरी की बगिया के पास नाली में एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से शव को बरामद कर लिया गया है, पंचायतनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर जैसे पोस्टमार्टम आएगा उसके अकॉर्डिंगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला। वहीं अपनी ही जमीन पर निर्माण कर रहे लोगों को दबंगों ने रंगदारी देने से मना कर दिया तो एक व्यक्ति के घर में घुसकर लाठी डंडों से दबंगों ने उनकी पिटाई कर दी जिससे एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही दबंगों ने गर्भवती महिला के साथ छेड़छाड़ भी की जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि अकराबाबाद क्षेत्र के गांव पनेठी का ये पूरा मामला सामने आया है। सर मामला यही हुआ है, मारपीट हुई है सर, कुछ अननोन लोगों ने और प्रधान ने मिलके और उसके लड़कों ने मिलके मारा सर। क्या बात को लेकर सर? वही फिरौती मांगना और सब कुछ, पैसे वैसे एक्स्ट्रा मांगना।
किस बात की फ्लोर? यही कि सर मकान बना लिया, पैसे दो, कुछ मुंह मीठा कराओ उसके नाम। कितने पैसे मांगे? 35,000। फिर तुम्हें क्या किया? सर मना कर दिया देने से। और क्या फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? सर मारपीट हुई। कितने लोग घायल हो गए? 20 लोग थे सर। नहीं, घायल कितने हो गए? घायल 4 लोग थे कुल, फैमिली में 5 लोग थे, 1 लोग बच गए बस। कैसे बेइज्जती थी तो उनकी भी हुई, लेकिन मारपीट से बच गई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, प्रेग्नेंट थी वो? चोट सर ऐसा है, ये प्रधान है जिन्होंने चोट मारी है, और ये मतलब ये हम मकान बना रहे थे, मकान पे मतलब चोट लेने के कारण ये आए थे कि भाई पैसे ले दिए तुम्हें। मैंने भैया हमने तो 15,000 रुपये तुम्हें पहले ही दे दिए, यही बात थी, और बाकी पैसे और मांग रहे थे। किस बात के पैसे मांग रहे? इस बात के कि मकान बना रहे थे। काहे की? सरकारी जगह में? नहीं, अपनी जगह 40 साल से रह रहे हैं, और करीब 25 साल से मतलब जो है उसका बिल भी दे रहे हैं। फिर उस चक्कर में तो अपनी जगह में मकान बनाने से रोक रहे, तोड़ के मकान बना रहे थे, नया कोई मतलब निर्माण नहीं किया। कितने लोग घायल हो गए इसमें? घर में हो गए सब 4 लोग, हमारी मैडम, हम और 2 बेटे। तो आपने पुलिस को अवगत कराया इसमें? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना सर अब दे रहे हैं, रात हम घायल थे तो हमको पुलिस वाले एडमिट करके आए थे। खबर बरेली से है, जहां पूर्व मंत्री और नव निर्वाचित समाजवादी पार्टी के भोजीपुरा विधानसभा से विधायक शहजिल इस्लाम के बिगड़े बोल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल शहजिल इस्लाम का सपा की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके मुंह में आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों से धुआं नहीं निकलेगा बल्कि गोलियां निकलेंगी। खबर सीतापुर से है, जहां पत्नी को छोड़ने ससुराल गया युवक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से झुलस गया। इलाज के लिए उसे सीएचसी रेउसा लाया गया, जहां से जिला अस्पताल फिर लखनऊ ट्रामा सेंटर युवक को रेफर कर दिया गया। आरोप है कि इसके बाद ससुराल पक्ष ने पहले तो आमिर को पीटा, फिर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वही अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। हाँ, हमको हम माचिस लगाओ देखे बस। किसको माचिस लगाते देखे? वो है लोमडे के। क्या नाम है लोमडे का? लोमडे का नाम नहीं। अपने खुद लगाया उसने आग? हाँ, अपने लगाया लगाई। क्या मोबाइल नंबर है आपका कोई? मोबाइल नंबर ना है मेरे पास। अच्छा, आपने देखा उसको? हाँ। आप विवाद यू रहा है कि साहब का कहना है ये कुछ लड़ाई नहीं की, दूर हफ्ता मार दी ना अपनी मेहरुआ के, तो कहीं ना सुन रहे कामिल पटेल में आए बड़े वाले साढ़ू है दमाद में, तो वो मारी सी गाय निकाल हमारे घर पर सोहरवा में तक वो चला गवा तो इनका चुपकार गया कहीं निकल। खबर अलीगढ़ से है, जहां बोनेर हाईवे पर एक दुकानदार लूट का शिकार हो गया। वही प्रशासन की उदासीनता के चलते अपराधी लगातार बेखौफ लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि दुकानदार की बोनेर हाईवे पर परचून की दुकान है, जहां से चोर करीब 10,000 रुपए और परचून का सामान अपने साथ लेकर फरार हो गए। तो चार पांच जने गाड़ी में आए, ले जा बेटा रहा गाड़ी व्हाइट कलर की, मेरे को मारा। कहाँ दुकान कहाँ पर है आपकी? बोले राय पर दुकान है। अच्छा, कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में 4 या 5 लोग थे। आधा भाई में जो है हमें निधन से जाने दे, लेकिन 4 लोग कन्फर्म थे। तो आपने पुलिस को शिकायत करी है? नहीं। हाँ जी, कर दी। अच्छा, पुलिस आई मौके पर नहीं आई है? यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।